Even after. थर्टी को होगा सो गुड मॉर्निंग इज बैक गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सभी को प्रातःकालीन नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे इज ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर डे नंबर फिफ्टी टू अ विनर इज अ ड्रीमर हु टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स ऑफ टाइम सी आई विल ट्राई टू बी क्विक सेशन हम लाइव ही रखते हैं रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा बोरिंग हो रहा था मुझे पढ़ाने में भी सो so, हम लाइव सेशन ही कंटिन्यू रखते हैं बट आई विल ट्राई टू मेक इट क्रिस्पियर आई विल ट्राई टू मेक इट क्विकर ओके सो सी इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई यू हैव टू ड्रॉप सर्टन थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ यू हैव टू बी लाइटर If you want to fly, you have to drop certain things, fixed mindset and self-criticism. isko drop kariye Growth mindset rakhiye Gratitude ek bahut excellent virtue hota hai We should have gratitude. और self compassion होना भी बहुत जरूरी है. खुद के लिए बहुत ज्यादा critical नहीं होना चाहिए. So this is daily quiz question number one. Consider the following statements regarding nutrient based subsidy (NBS). एन बी एस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूज अगेंस्ट द अर्लियर प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी रिजीम इज इट ट्रू अंडर एन बी एस गवर्नमेंट फिक्सड पर के जी सब्सिडी फॉर ईच फर्टिलाइजर न्यूट्रियन प्राइमरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास सल्फर इनके लिए गवर्नमेंट पर के जी के हिसाब से सब्सिडी देती है तो पहले जो था अर्लियर प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी थी उसको हटा के ये न्यूट्रियन बेस्ड सब्सिडी हम लाए थे लिंकिंग सब्सिडी टू न्यूट्रिय कॉन्टेंट एम्स टू प्रमोट बैलेंसड फर्टिलाइजेशन बाई डिस्करेजिंग फार्मर फ्राम अप्लाइंग टू मच यूरिया डाईमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूराट ऑफ पोटाश तो अगर एक्चुअली जब गवर्नमेंट हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर देना स्टार्ट की थी तो हमने ये देखा फार्मर्स एट टाइम्स उस का मिसयूज कर रहे हैं हम एक्सेसिव एप्लीकेशन कर रहे हैं जो कि गलत था सो दैट इज वाई गवर्नमेंट प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी रिजीम से शिफ्ट करती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम तो जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड हुई थी जिसने रिप्लेस किया प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी रिजीम को एब्सोल्युटली ट्रू इसमें हम पर केजी के जी सब्सिडी के हिसाब से हम सब्सिडी देते हैं कॉन्टेंट के हिसाब से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और सल्फर और ये जो एन बी एस आया था ये इसलिए आया था ताकि जो मिस यूज था प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी का वो नहीं हो पाए तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है द राइट आंसर हेयर इज सी द राइट आंसर इज सी ये है क्वेश्चन नंबर टू यूनाइटेड अरब एमरेट हमारा बहुत अच्छा दोस्त है सो यूनाइटेड अरब एमरेट का लोकेशन हमें पता होना चाहिए यू ए ई में कौन सी कंट्रीज सराउंड करती है यू ए को दिस इज यूनाइटेड अरब एमरेट्स सऊदी अरेबिया, ईरान कुवैत और ओमान सो so, हमें मैप पता होना चाहिए जो यू है इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ कौन सी हैं सऊदी ईरान कुवैत और ओमान सो so, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा क्विक मैप लोकेशन बहुत ज़रूरी होता है जैसे देखिए ये यूनाइटेड अरब एमरेट है ये जो है दिस इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये यूनाइटेड अरब एमरेट्स एमरेट्स है अब यू के यहाँ पर कौन सा कंट्री है ओमान है दिस इज़ ओमान और यहाँ पर भी देखो एक ओमान का पोर्शन आता है यहाँ पर भी एक ओमान का पोर्शन आता है यहाँ पर जो है दिस इज सऊदी अरेबिया दिस इज सऊदी अरेबिया यहाँ पर है कतर इसको बोलते हैं कतर और ये है बहरीन बहरीन जो है ये एक आइलैंड है बहरीन एक आइलैंड है ये बहरीन है ये कतर है ये है पर्शियन गल्फ ये है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड यहाँ पर फिर आता है ईरान सो ये मैप है सो राइट आंसर क्या होगा द राइट आंसर विल बी बी ओनली टू केवल दो ही तो हो रहे हैं तीन का हो रहा है ओनली बी एक कंट्री है ओमान दूसरी कंट्री है सऊदी इसके अलावा किसी तीसरी कंट्री से बॉर्डर ही शेयर नहीं करता है यूएई सो द राइट आंसर इज टू सी क्यों बोल रहे हो आप लोग दो है टू टू केवल ओमान और सऊदी अरेबिया केवल दो ही कंट्री के साथ यूएई बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ बॉर्डर नहीं है कुवैत के साथ भी बॉर्डर नहीं है क्वेश्चन नंबर थ्री कुछ दिन पहले ये पोन्टस प्लेट न्यूज़ में थी पोन्टस प्लेट ये क्या है वॉट इज दिस पोन्टस प्लेट पोन्टस प्लेट इज अ लॉन्ग लॉस्ट टेक्टोनिक प्लेट दैट डिसअपियर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इट वॉज सबडक्टेड बिनी द ऑस्ट्रेलियन एंड चाइनीज प्लेट तो एक्चुअली जो अर्थ है ये बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है कुछ मेजर प्लेट्स हैं कुछ माइनर प्लेट्स हैं इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं तो जैसे कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड या ऐसा एक कॉन्टिनेंट आया था तो वो भी न्यू कॉन्टिनेंट हमने देखा था तो ऐसे ही अभी पॉन्टस प्लेट काफ़ी न्यूज़ में आया था ये पॉन्टस प्लेट आज से 20 मिलियन साल पहले सबडक्ट हो गई थी मतलब ये प्लेट नीचे है और इसके ऊपर और ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज प्लेट आ गई सो so, पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था राइट आंसर इज डी अब राइट आंसर डी कैसे हो गया नेहा नेहा रीड इट केयरफुली राइट आंसर डी कैसे हो गया बिकॉज यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है इनकरेक्ट राम नरेश दिपेश और सी वाले बच्चे दिस इज दिस इज़ रॉन्ग ये इनकरेक्ट है यहाँ पे ये ट्रू है ये ट्रू है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो राइट आंसर इज डी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए माइंड राइट राइटेड जहाँ पे भी इनकरेक्ट है जहाँ पे भी नॉट है उधर भूल के भी गलती नहीं करना है वरना आपको सवाल आता है फिर भी आप गलत करोगे तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए सो दिस इज़ राइट दिस इज़ ऑल्सो राइट अर्चना रीड इट अगेन दिस इज़ इनकरेक्ट दिस इज़ इनकरेक्ट So this is right, this is right, and this is incorrect. So right answer is D. Right answer is D. Okay. Question number four. Consider the following statements regarding soil microbiomes. Soil microbiomes. Soil microbiome provide a habitat for microorganisms that benefit the environment by delivering important ecosystem functions. So is it true? Soil का एक माइक्रोबायोम होता है सॉइल भी एक लिविंग एंटिटी होती है सॉइल एक लिविंग एंटिटी होती है दे वर्क एज अ रिजर्वायर ऑफ ह्यूमन पैथोजन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स तो यहाँ पे बहुत सारे पैथोजें भी होते हैं पैथोजें जो कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को डेवलप करते हैं ग्रेजिंग हर्बी वोर्स आर एक्सपोज टू सॉइल माइक्रोबायोम बाई अ डायरेक्ट इंजेक्शन तो जो हर्बी वोर्स होते हैं कई बार वो इस माइक्रोबायोम से डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं। सो so, पहला स्टेटमेंट है सोइल माइक्रोबायोम का एब्सोल्युटली ट्रू दूसरा स्टेटमेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का ये भी एब्सोल्युटली ट्रू ग्रेजिंग हरबी वोर ऑब्वियसली इन्फेक्ट होंगे सो द राइट आंसर इज सी द राइट आंसर इज सी वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर फाइव अभी हाल ही में पुरस्कार मिल रहे हैं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है कुछ ही दिन पहले ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला है ज्ञान पीठ अवार्ड्स मिले हैं ज्ञानपीठ अवार्ड्स मिले हैं किनको मिले हैं आंसर तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड्स है पोएट्री एंथोलॉजी नॉवल्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एसेज लिटरेरी लिटरेरी स्टडी तो ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये किन सारी चीज़ों में मिलता है आंसर साहित्य अकादमी अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो पोएट्री में मिलता है को मिलता है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को मिलता है एस को भी मिलता है और लिटरेरी स्टडी को भी मिलता है यस सो द राइट आंसर हियर इज डी राइट आंसर हियर इज डी वेरी गुड सो ये है डेली क्विज आज के लिए ऐसे ही टेलीग्राम क्विज है आज मैं मॉर्निंग में, में पोस्ट नहीं कर पाया बट बाय इवनिंग आई विल पोस्ट सो डेली ऐसे फाइव एम टेलीग्राम चैनल में भी हमें अटेम्प्ट करने हैं दिस इज टेस्ट सीरीज वन अब इसको हम फुल थ्रोटल स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरे साल भर का कोर्स है और इसमें आपका प्रिलिम्स की सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट है मेंस की सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट है और इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है सो so ये तीनों चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा इसकी क्लासेज अब स्टार्ट हो गई है सो दिस इज़ टेस्ट सीरीज फॉर इसमें हम सेक्शनल टेस्ट भी देख रहे हैं शाम को आठ से दस बजे के विंडो में आठ से नौ सेक्शनल टेस्ट है और नौ से दस लाइव एम सॉल्विंग सेशंस होंगे ऑलमोस्ट डेली बेसिस में फाइव डेज इन अ वीक हम टारगेट करते हैं फाइव डेज इन अ वीक आपकी क्लासेस होंगी और रेगुलर टेस्ट भी होंगे बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट लाइक कि डे वन से ही हम टॉप गियर में चलेंगे हम ग्रेजुअली पेस पिक करते हैं ये अभी सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर पर सिस्टमेटिक मैनर पर कंप्लीट हो जाएंगी देन जैसे ये प्रिलिम्स वन है तो रिमेंबर जून में हमने इसको स्टार्ट किया था और अभी आ गया है फेबररी पिछले आठ नौ महीने में नौ दस महीने में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमने पढ़ाई की है दिस इज रियली रियली नाइस सो अब इसमें हम कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं और अब हम मूव करेंगे रिवीजन क्लासेस में रिवीजन क्लासेस में जिसके डिटेल्स में आपको आज या कल में बताता हूँ यह है फेमस 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 का और सिनोनिम हो सकता है नोटेड नोटेबल एमिनेंट ग्रेट लीडिंग फेम्ड पॉपुलर ऑनर्ड एग्जॉल्टेड ग्लोरियस रेप्यूटेबल रेस्पेक्टेड डिस्टिंगशन रेप्यूट इलस्ट्रियस, अक्लेम्ड रिमार्केबल लेजेंडरी लाइनाइज पब्लिसाइज नोटोरियस इन फेमस देखो फेमस इन फेमस दोनों फेमस ही होता है वेल नोन हैविंग मेड अ नेम फॉर वन सेल्फ रिनाउंडी एमिनेंट डिस्टिंग एस्टीम्ड वेनरेबल ऑफ हाई स्टैंडिंग सो ये कुछ वर्ड्स है फेमस के सोशल मीडिया अपडेट आज हम जानते हैं मिजोरम के बारे में ड्रेंच योर सेंसेज इन आइज ऑल रिच हेरिटेज एंड रेन सोब्ड हिल्स हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है ये बहुत ब्यूटिफुल है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज इॉजिकल लैंग्वेज अनसाइंटिफिक लैंग्वेज नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज लेट द सिटीज ब्यूटी अनफोल्ड बिफोर योर आईज इन अनपैरल्ड ब्रिलियंस अनपैर तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट इज वेरी 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 ब्यूटिफुल मॉनसून इज वेन यू विटनेस दिस अजूली वाटरफॉल इन ऑल इट्स स्प्लेंडर। आपको पता है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है ये सेवेंटी परसेंट ऑफ इंडिया का टोटल एप्पल प्रोडक्शन कहाँ से आता है जम्मू कश्मीर के एप्पल्स होते हैं जम्मू कश्मीर के एप्पल्स होते हैं मीजो कल्चर है ये ट्रेडिशनल बैम्बू और थैच हाउसेस को भी प्रमोट करता है बैम्बू बैम्बू ग्रास होता है या ट्री होता है बैम्बू मुशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं बुद्धा महाबोधि टेम्पल महाबोधि टेम्पल रेडिएटिंग पीस एंड हार्मनी थ्रू इट्स इमैक्यूलेट आर्किटेक्चर द महाबोधि टेम्पल अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दर्ल्ड बोध गया बोध गया ये है कबरताल कबरताल एक क्रूशियल फ्लड प्लेन है वेटलैंड है नॉर्दर्न बिहार में ये बेगूसराय में है ये फिशरी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है पंद्रह हजार से ज्यादा हाउस होल्ड है सत्रह विलेजेस है ये फ्लड्स एंड माइग्रेटिंग वाटर बर्ड्स सबको प्रोटेक्ट करता है सो दिस इज दिस इज इन दिस इज इन बिहार नॉर्दर्न बिहार आपको पता है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हैव द आर्ट ऑफ गानीमी कवा गानीमी कवा ये गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक होता है टू डिफीट हिज एनिमीज सो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स कार्ड पोर्टल है इसको अब जी से भी इंटीग्रेट किया जा रहा है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जी हमें ई e वेस्ट को कम करना है डिस्कार्ड करना है गैजेट्स को रिसाइकलिंग में और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर पे भी फोकस करना चाहिए ये नहीं कि डिवाइस खराब हो गई और हमने नई डिवाइस ले ली अगर रिपेयर हो सकता है तो हमें रिपेयर करना चाहिए प्रीफर क्लाउड स्टोरेज ओवर अ पेन ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव गनी में गनी में सो so, ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट अब हम क्विकली आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में अच्छा एक बात बताइए आई एम प्लानिंग टू कम टू दिल्ली डू यू वॉन्ट टू मीट इन पर्सन डू यू वॉन्ट टू मीट इन पर्सन इफ़ यस देन मुझे कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप में हम एक छोटा सा अभी ऑफलाइन मीट करने का प्लान कर रहे हैं आई एम प्लानिंग टू कम टू दिल्ली एंड लेटेस्ट मीट इन पर्सन लेटेस्ट मीट इन पर्सन ओके मैं इसके डिटेल्स आपको जल्दी ही बताता हूँ ऑल राइट सो दिस इज द हिंदू दिस इज द हिंदू ये है वेंसडे फ़रवरी ट्वेंटी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रीपर्पज रिकवर री यूज रिड्यूज और रिफ्यूज ओके रिसाइकल, रीपर्पज रिकवर री यूज रिड्यूज एंड रिफ्यूज ऑल राइट चलो आई आई कम आई कम टू पंजाब इज वेल पंजाब इज वेल पंजाब भी आता हूं दिस इज द दिंदू वेंसडे फेबर लेट स्टार्ट दिस न्यूज पेपर डिस्कशन तो ये इंटरनेशनल एडिशन है दिस इज इंटरनेशनल एडिशन है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट दिस वर्क प्लेस रूल्स तो ये कॉर्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर बताया यस बिहार yes, बिहार भी, भी आता आई है कम

फिफ्टी Decentralization, एडिशन yes. Decentralization, yes. So, this is, this is है, stepping together, stepping together. तो है, है खजुराव डांस फेस्टिवल का सो सीस का भी गिरीस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है इसमें सारे डांसर खजुराव डांस फेस्टिवल खजुराव टेम्पल कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में

महाराष्ट्र क्लियर्स टेन परसेंट कोटा फॉर ऑल मराठास तो महाराष्ट्र में अभी एक बिल आया है जिसमें टेन परसेंट कोटा मराठा कम्युनिटी को एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा में देने की बात है देन सी इंडियंस एज आर्मी हेल्पर्स फोर्स टू फाइट इन रशियाज वॉर सो दिस इज अगेन वन डिस्टर्बिंग थिंग कि कुछ इंडियंस वर्कर्स के लिए गए थे रशिया में और वर्कर का काम था आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर्स का नॉट एक्चुअली टू गो एंड फाइट द बैटल बट इन वर्कर्स को अब बैटल फाइट करने के लिए फोर्स किया गया है एंड नाउ दे आर फाइटिंग द द बैटल फॉर रशिया सो दिस इज़ फ्रंट पेज अब ये नेक्स्ट है सेंटर सेंक्शन न्यू रेलवे लाइन बिटवीन पुरी एंड कोनार्क पुरी बहुत ब्यूटीफुल है कोनार्क भी बहुत ब्यूटीफुल है यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 32 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो कनेक्ट करेगी टेम्पल टाउन पुरी और कोनार्क को और यहाँ पर फेमस श्री जगन्नाथ टेम्पल है सन टेम्पल है वेरी वेरी मेजेस्टिक टेम्पल ये यहाँ पे बताया 492 करोड़ रुपए यहाँ पे सेंक्शन हुआ है ऑल वेदर ग्लास सीलिंग भी होगा ट्रेन में सो दिस इज रियली रियली नाइस देन कल्चरल प्रोटेस्ट टू मार्क 151 फिफ्टी वन ईयर्स ऑफ कोलकाता की ट्रैम तो ये कोलकाता की जो ट्रैम है ये एक आईडी रही है कोलकाता की ये ट्रैम्स होती है ट्रैम्स क्या होती है जिसे रेगुलर रोड होती है रेगुलर रोड पे ही ऐसी छोटे छोटे ट्रेन होती है इनके ऐसे बोगीज होती हैं ये ऐसे ट्रैम कल्चर कोलकाता में देखने को मिलता था बट अब ट्रैम्स को बंद कर रहा, जा रहा है कोलकाता का आइकॉनिक ट्राम वे विल मार्केट वन फिफ्टी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑन फेब्री ट्वेंटी फोर्थ तो रेज देयर वॉइस अगेंस्ट वॉट दे थिंक इज अनजस्ट तो ये कोलकाता का एक कल्चर रहा है प्लस जैसे कोलकाता की टैक्सी कैब्स भी काफी पॉपुलर रहती है येल्लो कैब्स जो कोलकाता की होती है टैक्सी कैब्स कोलकाता की जो पुलिस है उस कोलकाता की पुलिस का यूनिफॉर्म का कलर क्या है आंसर सो कल्चरल प्रोटेस्ट टू मार्क ऑफ कोलकाता ट्रैम यस देन दिस इज नेक्स्ट वन दिस इज स्टेट्स स्टेट्स न्यूज में सीसीटीवी कैमराज टू बी इंस्टॉल्ड एट ऑल एग्जाम सेंटर्स इन कर्नाटका तो कर्नाटका में सीसीटीवी कैमरा रहेंगे सारे एग्जामिनेशन हॉल्स में सो दैट किसी भी टाइप का अनफेयर या इनअप्रोप्रिएट जो है वहाँ पर एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो कीपिंग ये है सोरिंग टेम्परेचर केरला के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा वाटर बेल होगा देखो हमारी बॉडी में वॉटर कितना होता है हमारी बॉडी में वॉटर परसेंटेज कितना होता है तो द थिंग इज वाटर परसेंटेज मेजोरिटी रहता है सो ओवर सिक्सटी परसेंट वॉटर रहता है हमारी बॉडी में सो so, हमें स्पेशली समर सीजन में समर सीजन में प्लेंटी ऑफ वाटर का इंटेक करना चाहिए वरना क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है डिहाइड्रेशन तो ये बड़ा कॉमन है स्कूल्स में भी कई बार हम देखते हैं मॉर्निंग असेंबली होती है मॉर्निंग असेंबली होती है और मॉर्निंग असम्बली में सात आठ बजे भी काफी ज्यादा सनलाइट आ जाती है तो उसमें बच्चे एट टाइम्स पैनिक करने लग जाते थे क्यों क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन होने लग जाता है तो दिस इज कीपिंग कूल कीपिंग कूल यस पार्लियामेंट्री committee लॉर्ड various प्रो पिलग्रिम initiative adopted by TTD Tirumala Tirupati तिरुमला तिरुपति देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपन किया aur triple टी DM in Tirupati and आर और ट्रिपल and टी mein एंड तिरुपति एंड में तिरुपति एंड में वैसे जरूरी नहीं है डिहाइड्रेशन ही रीजन हो पॉसिबली उनको बंक करना होता है तब भी वो फेंट हो जाते हैं सो द थिंग इज ट्रिपल आई ये ट्रिपल आईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है और ये है ट्रिपल आईटी डीएम दिस इज कर्नूल तो अभी ये कुछ नए इंस्टीट्यूट्स ओपन किए गए हैं दिस इज रियली रियली गुड देन दिस इज नेक्स्ट वन इंडिया कैन बी अ ग्रेट मार्केट प्लेस एंड प्रोड्यूसर फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट गारसेटी का स्टेटमेंट है गुड तो इंडिया एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनने का एम्बिशंस रखता है मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर नहीं सिपरी की रिपोर्ट बोलती है स्टॉक होम की रिपोर्ट बोलती है इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इंपोर्टर ऑफ इंपोर्टर ऑफ डिफेंस नो हमें इंपोर्टर से बनना है मैन्युफैक्चरर और इसको एक्सपोर्ट भी करना है बिकॉज यू नो इन देंड जो डिफेंस मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है हम अगर एक्सपोर्ट नहीं भी करें तो एटलीस्ट हमें सेल्फ रिलायंट तो बनना चाहिए अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए सो दिस इज गुड तो यहाँ पे गारसेटी ने बताया कि इंडिया एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनने का सारा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं देन यूएस अवेट्स इंडिया फाइंडिंग इन दिस केस यू ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेज एक्स जजेस फॉर रिलीजिंग जजमेंट आफ्टर रिटायरमेंट देन दिस इज नेक्स्ट पेज सी इंडिया टू डिस्प्ले रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन थाईलैंड लॉर्ड बुद्धा इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी में भी बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंडिया विल होल्ड एन एक्सपोज़िशन ऑफ सम ऑफ द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो पोजेशन इन थाईलैंड है और ये नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली में डिस्प्ले किया जाएगा सो यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पर बताया लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स हैं टू ऑफ इज डिसाइपल्स हैं जो मध्य प्रदेश में साँची है मध्य प्रदेश में साँची स्तूपा भी बहुत ब्यूटिफुल है तो इनको यहाँ पर के इनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा बुद्धा के जो रेलिक्स हैं ये एक्सकवेट हुए थे पिपरवाह इन उत्तर प्रदेश में पिपरवाह इन उत्तर प्रदेश में सो दिस इज लॉर्ड बुद्धा लॉर्ड बुद्धा इन थाईलैंड डिस्प्ले रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन थाईलैंड रूल्स दैट एज आउट वुमेन फ्रॉम जॉब्स ड्यू टू मैरिज इ ये सुप्रीम कोर्ट का करेक्ट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है एक्चुअली क्या होता है मैरिज एज एन मैरिज एज एन इवेंट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन तो मैरिज में मेल है फीमेल है मेल एंड फीमेल का बिफोर मैरिज जो वर्क है करियर है वो ठीक है बट पोस्ट मैरिज हमारे सोसाइटी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल है उनका जो करियर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आफ्टर मैरिज विच इज अ रॉन्ग थिंग सो देट इज वाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि एज आउट वुमन फ्रॉम जॉब्स ड्यू टू मैरिज इज इलिगल रेगुलेशन इज बेस्ड ऑन जेंडर बेस्ड बायस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने को बोला वुमन परमानेंट कमीशन ऑफिसर को तो मैरिज इज नॉट समथिंग की जो एक बैरियर होना चाहिए आपकी स्टडीज में या एक बैरियर होना चाहिए आपके करियर एडवांसमेंट में मैरिज शुड नॉट बी अ बैरियर मैरिज इज नॉट अ बैरियर इन योर करियर एडवांसमेंट और योर स्टडीज सो यहाँ पर कोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई और बताया कि ये जो पेट्रियॉर्कल रूल है ये ह्यूमन डिग्निटी राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट है लॉज एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन जेंडर बेस्ड बायस आर कॉन्स्टिट्यूशनली इम तो यहाँ पर एक्चुअली एक फौज का ही यहाँ पर परमानेंट कमीशन जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में था कि अगर वो मैरिड हो रहे हैं तो फिर उनका जॉब कंटिन्यू होगा ऐसा यहाँ पे था प्रोविजन तो उसको कोर्ट ने हटा दिया है द कोर्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट आर्मी इंस्ट्रक्शन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंटिश कमीशन इन दिलिट्री नर्सिंग सर्विस वॉज विद्रॉन इन नाइनटीन नाइनटी फाइव तो ऐसा कोई भी नियम जो रूल्स मेकिंग मैरिज ऑफ वुमन एम्प्लॉयज एंड देर डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट एक ग्राउंड फॉर डिस एंटाइटमेंट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल्स मेकिंग मैरिजेस ऑफ वुमन एम्प्लॉयज एंड दे आर डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट अर ग्राउंड फॉर डिस एंटाइटलमेंट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो ये कोर्ट का अभी वर्डिक्ट है इंडिया को 26 बिलियन डॉलर चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इन्वॉल्व करने के लिए यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइव एंड टी फाइव एंड टेन सो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी भी है और क्लीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ना है तो एटॉमिक एनर्जी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रोमिसिंग तो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की है शशि थरूर साहब है so, यहाँ really so, पर इनको बताया सो so, ये कॉन्फर किया गया है अवॉर्ड टू एन इंडियन इज ऑल्सो एन एक्नोलेंट ऑफ डीपनिंग ऑफ फ्रेंको इंडिया रिलेशन फ्रेंको इंडिया रिलेशन ओके सो ये अच्छा सा अवार्ड मिला है शशि थरूर साहब को गुड दैन दिस इज नेक्स्ट वन

प्लास्टिक एक बार बन गया तो वो एटर्निटी तक बना रहेगा वो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है और अगर प्लास्टिक इस फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो भी गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक में ये कन्वर्ट हो जाता है नैनो प्लास्टिक्स में सो दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी एक स्टडी ने बताया है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक कंटेंट ऑफ रियल वर्ल्ड वाटर सैंपल में आपको बहुत सारे प्लास्टिक के हिडन स्मॉल स्मॉल पीसेस मिले हैं वहाँ पे और ये अंडर एस्टिमेट हो रहा है तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी नैनो प्लास्टिक्स आ गए नैनो प्लास्टिक्स आर डिफिकल्ट टू एनालाइज ड्यू टू देयर साइज एंड देयर ड्यू टू इन ऑफ डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई देम तो हम जब इतना ज़्यादा प्लास्टिक से एक्सपोजर है केमिकल से एक्सपोजर है ये हेल्थ के लिए सही नहीं है इनमें से काफ़ी सारी ये हेल्थ रिलेटेड इशूज़ लेके आते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स और इनके एक्सपोजर में जाते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं तो एस ने यहाँ पे एक स्टडी में बताया कि ये जो प्लास्टिक आइटम है ये सब माइक्रोमीटर पीसेस में ब्रेक होते हैं फिर ये धीरे धीरे जो फूड चेन है फूड वेब है और हमारी जो बॉडी है इसमें भी ये अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं सो दिस इज अ कॉज ऑफ फरी ये बिग शॉट है सो लुक एट दिस लुक एट दिस हिलॉक हुबॉन ये हुक गिबॉन है ये म्यांमार का है देखो फिल्म में ऐसे सवाल आते हैं इसीलिए हमें फोटो विजुअल्स ऐसे सब देखते रहना चाहिए न्यूज़पेपर में जैसे लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि कौन सा जो एनिमल है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है स्टिक को लास्ट लास ईयर ही ऐसा कुछ सवाल आया था एक कौन सा एनिमल है तो वो प्राइमेट है वो गिबॉन है मोंकी फैमिली है क्योंकि मोंकी फैमिली हमारे काफी क्लोजर है और इनका भी ब्रेन अच्छा खासा डेवलप्ड होता है ब्रेन इनका इवॉल्व होता है तो ये स्काई वॉकर होलॉक गिबॉन है म्यांमार का ये 2017 में डिस्कवर हुआ था इनकी पॉपुलेशन 200 ही कुछ है और ये लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन ऑफ स्काई वॉकर गिबॉन सिंगल लोकेशन में म्यांमार में मिलता है ऐसे ही ये शीप्स हैं शीप्स होती हैं तो शीप्स एक इंस्टिंक्टिव स्विमर होती है इंस्टिंक्टिव तो स्विमर ये होती है कि जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक वो तैरती नहीं है सो द थिंग इज इट इज बेसिकली इंस्टिंक्टिव सेविंग डिवाइस तो शीप्स जो होती है वो यूजुअली स्विमिंग नहीं करती है बट अगर लाइफ की बात आती है फ्लडिंग हो गया है या वो रिवर में गिर गई है सो दे कैन स्विम दे कैन स्विम सो दिस इज दिस इज लाइक दे आर इंस्टिंक्टिव स्विमर अब ये एडिटोरियल है पहला है काम असेसमेंट क्लैरिटी ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट इज एसेंशियल देखो फॉरेस्ट क्या होता है फॉरेस्ट एक होता है रिकोगनाइज फॉरेस्ट एक होता है नॉन रिकोगग्नाइज्ड फॉरेस्ट ऐसे ही कुछ एक फॉरेस्ट होता है जो मतलब कि फॉरेस्ट कैटेगरी में आना चाहिए बट अभी इंक्लूडेड नहीं है तो ये होता है डीम्ड फॉरेस्ट जैसे हम बोलते हैं ना डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है तो दिस इज डीम्ड फॉरेस्ट तो क्लैरिटी ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट इज एसेंशियल अब देखिए गवर्नमेंट को रोड बनाना है गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स बनाना है गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज बनानी है तो गवर्नमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है वहां का फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट है तो आप वहां पे रोड कैसे बनाओगे वहाँ फैक्ट्रीज कैसे डालोगे बिकॉज फॉरेस्ट को फिर क्लियर करना पड़ेगा और अगर वो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट है तो उसकी क्लियरेंस में आपको यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर सो द थिंग इज अगर वो फॉरेस्ट ही डिक्लेयर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट ईजिली उस लैंड को रीराउट कर सकती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अदर एस्पेक्ट्स बट इससे फिर फॉरेस्ट का नुकसान होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है इसमें क्या था कि जो फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते पर जो डीम्ड फॉरेस्ट है बाद में अभी एक अमेंडमेंट आता है डीम्ड फॉरेस्ट को हमने ऑल्टर करने का परमिशन गवर्नमेंट ने ले लिया बट अब इस परमिशन को फिर से सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर रही है सो द थिंग इज़ कि क्या जो फॉरेस्ट है वो नॉन फॉरेस्ट्री यूज में यूजेज हो सकता है फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया 51 से 75 के टाइम पे चार मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट यूजेज में तो फॉरेस्ट का लॉस हो गया तो फॉरेस्ट कुड नो लॉन्गर बी डाइवर्टेड विदाउट एडहेरिंग टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय द सेंटर ये उन्नीस के एक्ट में बोला गया कि बिना नियम के प्रोसीजर फॉलो किए आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो सेंटर ने 1981 से 2022 में देखा कि केवल 22,000 हेक्टेयर ही फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हुआ है तो 1980 के पहले चार मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हुआ 1980 में जब ये नियम आया तो केवल 16 बाईस हजार हेक्टेयर फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हुआ मतलब ये ये जो लॉ था इट वाज अ गुड लॉ इट वाज अ गुड लॉ तो थिंग इज अब गोदावरमन केस आता है एन गोदावर्मन केस आता है और इस केस में ये बोला जाता है एक सीलिंग लग जाएगा अब डीम्ड फॉरेस्ट एक्सेट्रा को भी फॉरेस्ट काउंट किया जाएगा बट गवर्नमेंट अभी एक नया नियम लाती है जिसमें इस डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश होती है सुप्रीम कोर्ट उसको अभी फिर कैंसिल कर रही है सो दिस ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट और ट्रैक्स विच वर नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज ए गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं जो ऑफिशियली फॉरेस्ट कैटेगरी में नहीं आए बट दे आर फॉरेस्ट सो द थिंग इज डीम्ड फॉरेस्ट जो होते हैं पिछले 28 साल से बिकॉज ऑफ दिस गोदावर्मन केस डीम्ड फॉरेस्ट को भी एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल गया था बट अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आता है इसमें डेफिनेशन चेंज करने की बात है सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से स्टॉप कर दिया फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट हमें फूड देते हैं फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं फॉरेस्ट एक बहुत बड़े कार्बन सिंक है फोटोसिंथेसिस कार्बन सी टू जो एमिशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं सो वी नीड फॉरेस्ट चाहे वो डीम्ड फॉरेस्ट हो क्लासिफाइड फॉरेस्ट हो नॉन क्लासीफाइड फॉरेस्ट हो वी नीड फॉरेस्ट कंजर्वेशन वी नीड ट्रीज बिकॉज फॉरेस्ट एंड ट्रीज है तो हमें इट्स नॉट रिवर्स अर्थ का अगर हम जर्नी देखें सो इफ अर्थ इज फोर्टी सिक्स ईयर ओल्ड हमारी जो एज है वो महीनों में है वी आर सो यंग देर वॉज द टाइम कि जब ऑक्सीजन नहीं था लाइफ नहीं था ऑक्सीजन और लाइफ क्यों हुआ बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट सो इट इज नॉट अदर वे राउंड कि हम है तो फॉरेस्ट है एक्चुअली फॉरेस्ट है तो हम है कीप इट होल्जम नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल स्कीम मस्ट बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इसमें गवर्नमेंट वैक्सीनेशन भी बहुत एनकरेज कर रही है 14 ईयर्स से कम की जो 14 ईयर्स तक की 9 टू 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं इनको सर्वाइकल कैंसर का यहाँ पर वैक्सीनेशन देने का प्लान है तो दिस इज देयर गवर्नमेंट इसको काफी एनकरेज कर रही है मा वायरस होता है जो दिस का एक वन ऑफ लीडिंग कॉज होता है लाइक अवेयरनेस बढ़ा रही है ओनली वे टू प्रिवेंट डेथ द ओनली वे टू प्रिवेंट डेथ इज टू डिप्लॉय द एंटायर असेंबली ऑफ टूल्स एस पार्ट ऑफ अशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेबल टू ऑल वुमन इर ऑफ एज एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी और सोशल स्टेटस सो दिस इज दिस यह लिखा है एन के एम के नारायण साहब ने द रियल थ्रेड टू इंडिया एज वी नो इट हमारा कंट्री पचहत्तर साल हो गए हैं मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है हम काल में आ चुके हैं सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड ईयर्स में सो स्टार्स आर अलाइन फ्यूचर इज ब्राइट बट देयर आर सर्टन चैलेंजेस एज वेल इसमें कुछ पॉलिटिकल पॉइंट भी हैं हम इनको फिल्टर करके देखेंगे सत्रहवीं लोकसभा का अभी ऑनसेट है एंड हो रही है और फिर अभी चुनाव आ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं तो जो चुनावी साल है वो थोड़ा डिफिकल्ट ईयर भी होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हाईलाइट है कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी फाइव ईयर्स के बाद भी उतना ही रेलिवेंट है उतना ही मजबूत है दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन में एफ आर एफ डी डी पी एस पी सब है दिस इज़ रियली रियली गुड अब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ ग्लोबल हेडवेंड्स हैं जैसे यूक्रेन वॉर हुआ जैसे चाइना और अमरीका का ट्रेड वॉर हुआ जैसे रशिया एंड दिस इज़राइल फलस्टीन इशू हो रहा है कोविड नाइन्टीन का भी इशू था अभी सप्लाई साइड बॉटल नेक का इशू हो सकता है जिस तरीके से रेड सी पे ऊती रेबल्स अटैक हो रहा है सो द थिंग इज़ ये जो ग्लोबल हेडविंडस हैं ये ग्लोबल हेडविंड्स का इम्पैक्ट इंडिया में हो सकता है चाइना ताइवान इशू भी है पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होंगी तो ऑब्वियसली उसका जो खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा सो द थिंग इज़ कि ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है ये एक थ्रेट हो सकता है सेकेंड अभी जो फार्मर्स इशू चल रहा है मणिपुर में जो इशू है कम्युनल वायलेंस का जो इशू है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो इशू है दिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ वरी नेशन को डिवाइड नहीं करना है चाहे वो नॉर्थ साउथ हो या ईस्ट वेस्ट हो हैव्स हैव नॉट सो वी नीड टू कीप अवर नेशन वन तो ये जो डिवाइड है चाहे वो कास्ट के बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे इससे हमें बचना चाहिए नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड नो वन शुड be लेफ्ट बिहाइंड देन इसके दूसरी बात है पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और हम ओपिनियंस बहुत डिवाइडेड हो जाते हैं या तो हम इस धड़े में हैं या फिर इस धड़े में लाइक like दैट तो पोलराइजेशन इज ऑल्सो नॉट दैट गुड पोलराइजेशन नहीं फिर अभी बात आ रही है जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरल रिलेशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो द थिंग इज ये जो डिफ़िकल्ट जो रास्ता है इसको बहुत टैक्टफुली हमें ट्रैवल करने की जरूरत है रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम के हिसाब से काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनस कॉर्डियल होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सुप्रीम है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहना चाहिए सो दिस इज द रियल थ्रेट टू इंडिया एज वी नो इट सेकेंड इज हैविंग पंचायत एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फोर्टी गांधी प्रिंसिपल पंचायत सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ सी ए के थ्रू पंचायत को हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया पंचायत को भी काफ़ी टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली थर्टी ईयर्स हो गए हैं अब इनका असेसमेंट करना जरूरी है कि क्या करेक्ट हो रहा है क्या नॉट सो करेक्ट हो रहा है सो द थिंग इज लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट पंचायती राज सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचायत अर्न्स ओनली वन परसेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस देखो मैं रोज एक ही बात बताता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉस्पर नहीं करेगा अगर वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है दिस इज द लॉ दिस इज द लॉ पंचायत में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट होगा ग्रास रूट डेमोक्रेसी होगी इट इज गुड बट अगर पंचायत रेवेन्यू नहीं ला रही है पंचायत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो पंचायत वर्क नहीं कर पाएगी दिस इज एज सिंपल एज दैट सो देट दैट इज वाई हमें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी से एड्रेस करना चाहिए पंचायत के पास केवल एक प्रतिशत पैसा आ रहा है रेवेन्यू का थ्रू टैक्सेस तो उनके पास वर्क करने की इंटेंशन है बट वर्क करने के रिसोर्सेज नहीं है सो हाउ दे विल वर्क सो द थिंग इज कि इसमें जरूरी है कि पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने का रिसोर्सेज देने का हम प्रोविजंस बनाए एवेन्यू फॉर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ताकि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर पाए पंचायत को रोड्स बनानी है पंचायत को डैम बनाना है पंचायत को लाइट्स बनानी है पंचायत को बहुत सारे वेलफेयर के वर्क करने हैं बट हाउ दे डू नॉट हैव फंड्स दे कैन नॉट वर्क सो एवेन्यूज फॉर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए टैक्स नॉन टैक्स दोनों दो प्रॉपर्टी टैक्स सेस लैंड रेवेन्यू सरचार्ज एडिशनल स्टैंप ड्यूटी टोल्स टैक्स ऑन प्रोफेशन एडवर्टाइजमेंट यूजर चार्जेस ऑन वाटर एंड सैनिटेशन एंड लाइटिंग ये सब पंचायत को डिप्लॉय करने चाहिए ताकि पंचायत एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वर्क कर पाए तो पंचायत के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसके अलावा जैसे कमर्शियल वेंचर्स से भी वो कुछ पैसे कमाने की कोशिश करें रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन क्रेडिट कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स एंड डोनेशंस ग्राम सभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राम सभा में हर एडल्ट मेंबर जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे वो ग्राम सभा का सदस्य होता है तो ग्राम सभा मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इसमें आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाओ टैक्सेस फीस लेवी लगाओ लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वहाँ पर सो दिस इज़ इम्पॉटेंट ऑनट्रोप्रोनोरशिप को भी हम प्रमोट करें सो so दैट उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल बेहतर हो टैक्स कलेक्शन बेटर करना चाहिए और इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स देने की बात करती है वो भी क्विकली रिलीज़ होना ज़रूरी है सो so, पंचायत को थर्टी ईयर हो गए हैं बट पंचायत इतना एट टाइम्स डिलीवर नहीं कर पाई इसके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं इस पर एक फेयर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है जुडिशियल क्लैरिटी है ऑन फ्री स्पीच फ्री स्पीच इज इम्पॉर्टेंट बट मिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग देखो एक्चुअली क्या होता है जोनाथन स्विफ्ट का 1710 में एक स्टेटमेंट आया था फॉल्स हुड फ्लाइज एंड ट्रुथ कम्स लिंपिंग आफ्टर इट जो फॉल्सूट होता है ना ये बहुत तेजी से फैल जाता है आरोप लगाना बहुत आसान बात होता है फॉल्सूट बहुत तेजी से फैलता है और जो ट्रुथ है ट्रुथ थोड़ा स्लो है ट्रुथ थोड़ा स्लो है बट ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्स सो जुडिशियल क्लैरिटी ऑन फ्री स्पीच इज इंपॉर्टेंट फ्री स्पीच है बट इसका मतलब ये नहीं है कि फेक न्यूज है विट्रीऑल हैड है नो मेकिंग सेंस ऑफ इलेक्टोरल इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट थ्रू डेटा सर्ज इन शेयर ऑफ क्राइसिस इट फिनटेक कंपनी पेटीएम एंड दिस इज मीजल्स के इतने केसेस आए हैं मीजल्स किससे होता है वायरस प्रोटोजोआ बैक्टीरिया किससे होता है मीजल्स मीजल्स का पैथोजन क्या है स्वेज कैनाल में डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ हु अटैक ई पी एफ ऐड हुए हैं इन्वेस्टर इतने ऐड हुए हैं यहाँ पे बात है फार्मर का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है तो फार्मर्स का बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है एम को लीगलाइज करने की डिमांड है और एक पेंशन की भी डिमांड है सो लेटेस्ट सी गवर्नमेंट एक्टिवली यहाँ पर टॉक्स कर रही है फार्मर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फार्मिंग कम्युनिटी इज बैकबोन ऑफ अवर कंट्री फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम हमेशा से अपने फार्मर्स को जय जवान जय किसान का दर्जा देते हैं मतलब जितने हमारे सोल्जर्स इंपॉर्टेंट है उतने ही हमारे फार्मर्स इंपॉर्टेंट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान सो फार्मर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या फार्मिंग में है और फार्मिंग का जीडीपी कंट्रीब्यूशन केवल 15 प्रतिशत है तो इसका मतलब ये तो साफ है कि फार्मिंग में देर इज़ सम देर आर सम प्रॉब्लम्स फार्मिंग जो एज अ इंडस्ट्री है एज अ सेक्टर है इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है सो so दैट इसको प्रॉफिटेबल बनाए इसको ज़्यादा बेटर यहाँ पर रियलाइजेशन करें ज्यादा यहाँ पर रियलाइजेशन इफेक्टिवनेस बढ़ाए इन कम करे तो इससे फार्मर्स का भी बेनिफिट होगा इससे पूरी कंट्री का भी बेनिफिट होगा देन दिस इज मेंटेनेंस फॉर डिवोर्स मुस्लिम वुमेन तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है ये लाइक सेक्युलर लॉज शुड बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज सेक्युलर लॉज को सेक्यूलर जो सीआरपीसी है वो सीआरपीसी है वो रूल करेगा ओवर डिस्टिंग पर्सनल लॉज तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स है इज़ अ रिलीजन स्पेसिफिक लॉ दैट प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर फॉर अ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग डिवोर्स और सेक्शन थ्री है एटी सिक्स का इसमें भी बात है सो द रीज़न इज द थिंग इज कि इसमें जो इंडियन लॉज है सी आर पी सी लॉज है फ्री एंड फेयर मैनर पे यहां पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए देन दिस इज़ ट्रैकिंग द नॉर्थ ईस्ट न्यू फिक्शन एंड नो योर अंग्रेजी सो ही कॉन्ट्रेक्टेड दिस टू फीयर फॉर हिस्ट सर का मतलब एक ईडियम होता है इट यूज टू बी इन दैट फॉर्म देन जैसे डायलॉग्स हैं दीजा डायलॉग्स पेलेंड्रॉम वॉट इज पेलेंड्रॉम उल्टा सीधा एक समान One nine nine one is a palindrome. इसको आप लेफ्ट से लिखो या राइट right से लिखो इट इज अड्रॉम तो इसको palindrome बोलते हैं. जैसे क्या होता है? ये एंजल नंबर वेरी वेरी पावरफुल नंबर न्यूमरोलॉजिकली रैपर्ड का मतलब होता है अच्छी अंडरस्टैंडिंग है रेजोनेंस है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमास क्रेमलिन साउथ अफ्रीका एंड इसराइल देन दिस इज यू में यूएस बीटो कर रहा है तो यूएस की वीटो के कारण गाजा सीजफायर नहीं हो रहा यूनिसेफ है इंडिया श्रीलंका टॉक है ट्रेड अग्रीमेंट मैन वर्सेज वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल इज ऑल्सो वन थिंग देन चाइना बो टूरिस्ट वेसल ऑफ ताइवान कोस्ट लीड्स टू प्रोटेस्ट मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर किम हुस पोलैंड दैन दिस इज़ कंज्यूमर अपबीट है इन्फ्लेशन टू कोल डिमांड ज़्यादा आ रही है इन्फ्लेशन अभी भी हाई है रूरल कंजम्पन है आर बी आई इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है ड्यूटीज़ ऑन ब्लू बेरीज कॉटन क्रैनबेरीज फ्राम यू एस स्लैश्ड यू एस एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है तो ये जो ब्लू बेरीज है क्रैनबेरीज़ है ये यू एस से एक्सपोर्ट की जाती है इन पर अभी ड्यूटी स्लेश की गई है दैन टी वी एस जो है रोल्स रॉयस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दैन एम सी ए का प्लान है क्रैकडाउन ऑन कार्टल्स देन आई टी सेक्टर्स रिटर्न बूस्ट कार्पोरेट एयर ट्रेवल लैब ग्रोन डायमंड्रोन डायमंड हैं इनका डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है देन मेड इन चाइना एयर लाइटर्स है सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज पेपर फॉर टूडे गिव मी अ कपल ऑफ डेज टाइम मोर मैं अभी आंसर राइटिंग सेशन फिर से स्टार्ट करूंगा बहुत नए और फ्रेश फॉर्मेट में हम इसको इस वीकेंड से आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करेंगे देखो मैं अभी आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ रफ टाइमलाइन हम सैटरडे संडे से अभी हम एक कुछ स्पेशल क्लासेस सैटरडे संडे में करेंगे मंडे से हम आंसर राइटिंग सेशन प्रिलिम्स फॉर्मेट में स्टार्ट करेंगे और आज से मैं आपको टेस्ट सीरीज का भी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में एट टू टेन की जो क्लासेज है इसमें आठ से नौ सेक्शनल टेस्ट कराऊंगा और नौ से दस में आपको लाइव आंसर लाइव एम सॉल्विंग सेशन दूँगा तो मॉर्निंग का जो सेशन रहेगा वो रहेगा नाइन थर्टी से ट्वेल्व थर्टी साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह बजे लाइव क्लास रहेगी अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह बजे लाइब्रेरी वन रहेगा जिसमें हम रिविज़न क्लास करेंगे साढ़े बारह से साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह बजे होगा न्यूज़पेपर तो नाइन थर्टी नाइन थर्टी टेन थर्टी इलेवन थर्टी ओके नाइन थर्टी इसलिए बिकॉज एग्जाम भी नाइन थर्टी से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में और शाम की जो क्लास होगी वो एट से होगी एट टू नाइन देन नाइन टू टेन ओके सो दिस इज गोइंग टू बी अवर टाइम टेबल एवरी डे आपको शो अप होना है और पढ़ाई करना है ऑटोमेटिकली स्टडी ऑन ट्रैक रहेगी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से सारी चीजें कवर हो जाएंगी वी विल डू एवरी थिंग अंडर द सन टू मेक दिस हैपन कि आप फिल्म एग्जाम क्वालिफाई करो ओके दिस इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी छब्बीस मई को आपका सबका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए दिस इज अवर ओनली प्रायोरिटी ऑल राइट चलो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ हैव नाइस डे एवरी वन हैव अ नाइस डे